subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. ये पुराने दिल्ली का जामा मस्जिद का एरिया है। ये जामा मस्जिद जो एक पुरानी इमारत, पुरानी मस्जिद है, शाही मस्जिद है, ये उसके पास का पुराने दिल्ली का एरिया है। इसके बिल्कुल सामने यहाँ से तकरीबन 100 कदम की दूरी पर हमारे 4 शेल्टर्स हैं। उसे मीना बाज़ार के नाम से जाना जाता है और इन 2 शेल्टर्स को उर्दू पार्क के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर यूसुफ के 6 परमानेंट शेल्टर हैं जिनमें बेघर लोग रहते हैं और इन लोगों के लिए सरकार ने काफ़ी सुविधाएं मुहैया कराई हैं। यहां पर ऑक्यूपेंसी लॉकडाउन से पहले 600 से 700 थी, अब यहां पर फैमिली और ओनली लेडीज़ और जो चाइल्ड है उनके साथ वो रहते हैं। यहाँ पर अभी भी रहने वालों की ऑक्यूपेंसी 300 से 350 है, 6 के 6 शेल्टर ऊपर और नीचे दोनों मिला करके। जैसे यहाँ पहले ये लोग रहते थे तो यहाँ नीचे ज़मीन में लेटा करते थे, लेकिन अब सरकार ने इनके लिए काफ़ी सुविधाएं मुहैया कराई हैं। बेड वगैरह का भी इंतज़ाम किया गया है इनके रहने के लिए, सोने के लिए। जो फैमिलीज यहाँ रहती थी, जो एक ही हॉल में सब लोग रहा करते थे, उसके लिए भी एक सेपरेट फैमिली के लिए पर्दे का इंतज़ाम किया गया है, जिसमें एक पूरी फैमिली चारों तरफ से पर्दे के अंदर सेपरेट रह सके और अपनी अच्छे से ज़िंदगी गुजारे। ये लोग जो यहाँ पहले रहते थे तो अपने आप को दूसरे लोगों से अलग समझते थे। ये कहते थे कि जैसे जो एक आम लोग की ज़िंदगी गुजरती है उससे हमारी ज़िंदगी बहुत अलग है। हालांकि ये लोग बोलते हैं कि हैं तो हम अभी भी बेघर, लेकिन आज हम वही ज़िंदगी गुजार रहे हैं जैसे एक आम लोग जिनके घर हैं वो गुजारते हैं, क्योंकि हर वो चीज़ यहाँ पर सरकार ने और डूसुम ने मुहैया कराई है जो एक आम आदमी के पास हर घर में होती है। बल्कि उससे भी ज़्यादा कहूँगा, क्योंकि यहाँ पर सीसी कैमरे का भी इंतज़ाम है जिससे इनकी सेफ्टी है। पंखे, कूलर और डिस्पेंसर, वाटर डिस्पेंसर जो होता है वो पानी के लिए, और यहाँ पर दोनों टाइम लंच और डिनर दोनों का इंतज़ाम है। दोनों टाइम इनको वक्त पर खाना दिया जाता है। और इनके एजुकेशन के लिए हमारी एनजीओज और कुछ और एनजीओज ने मिलकर एजुकेशन पर भी काम कर रहे हैं। इसी विषय पर मैं चाहूँगा कि यहाँ जो रहने वाले हैं वो ख़ुद अपने मुँह से इन सुविधाओं के बारे में और यहाँ के रहन सहन के बारे में आपको बताएँ। मेरा नाम परवीन है। हम लोग बचपन से ही मीना बाज़ार में रहते थे। जब ये सेंटर बनी थी तो हम लोग को लेके आए थे सेंटर वाले स्टाफ लोग कि आप लोग के लिए घर बना है। फिर हम लोग ज़मीन पे सोते थे। सरकार ने हमें बेड दिया है, पंखा दिया है, कूलर देते हैं, हर चीज़ का सुविधा है। बाकी हम लोग को किसी चीज़ की परेशानी नहीं है। पानी है, बाथरूम है, सब चीज़ है। पानी भी 24 घंटे आता है। CCTV कैमरा भी है चारों तरफ है, उससे भी हमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, डर नहीं लगता है। मेरा नाम रूना खातून है। मैं यहाँ मीना बाज़ार में रहती हूँ सेंटर में 20-25 साल से। ये पहले से बहुत अच्छा है सेंटर में। पलंग भी मिला, पर्दे वर्दे सब लग गए। पहले से बहुत सुविधा कर दी, बहुत अच्छा लग रहा है। कैमरा भी लगा हुआ यहाँ पर, अब अच्छा लग रहा। पहले अच्छा नहीं लग रहा था, अब सही है। पर्दा जो लग गया अब सही लग रहा। आपका नाम क्या है? मोहम्मद सवाब। यहाँ से कितने दिन से रह रहे हैं? हम यहाँ 6 साल से। और पहले और अभी के अंदर क्या क्या फर्क आप महसूस कर रहे हैं यहाँ पे? बहुत सारा फर्क है। क्या चीज़ बताइए? अब पहले नीचे सोते थे, अब पर्दा में सोते हैं, बेड पे सोते हैं, गद्दा मिला हुआ है। पहले से जो है ना बहुत अच्छे हैं। पहले तो लग रहा था खुले में रह रहे हैं, मगर अब जो है 2-4 साल से फिर सही है। सब कुछ मिल रहा है, खाना पानी राशन जो भी हो टोटली चीज मिल रहा। सब्सक्राइब नाउ
and press the bell icon. Never miss an update.